ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई प्रिया? मुझे लगता है कि जरूर कुछ हुआ है. Something drastic must have happened. नहीं तो वो किसी ना किसी से कुछ तो कहती. क्या हुआ मैम? छोटी मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता यार. प्रिया, nobody knows where Priya is or. She's here, भाई. What? She knows everything. किसने बताया? जूही. क्या हुआ? मैं खुद सही वक्त पे सही मौके पे उसको सब कुछ बता दूंगा जब वो बिल्कुल ठीक हो जाए. She loves you, Mr. Kapoor. What? जूही, वो आपसे प्यार करती है. तुमने प्रिया को सब कुछ बता दिया? You told her everything. How dare you, Juhi? राम, वो एक्चुअली मैंने मुझे लगा कि प्रिया ने तुम्हें बताया. क्या क्या बताया प्रिया ने? तुम क्या कह रही हो कि प्रिया ने बताया कि हम दोनों शादी करने वाले थे? नहीं, मुझे ऐसे लगा था क्योंकि प्रिया ने कहा कि तुम दोनों की बात हो गई है. मैंने तुम सबको बताया था. कैटेगोरिकली आई टोल्ड ऑल ऑफ यू. तुम्हें, विक्रम को, नेहा को, छोटी को, सबको बोला था कि ये बात छुपाओ प्रिया से. राइट और रॉन्ग, फिर भी तुमने बता दिया. बाय मिस्टेक हो गया. वो पता नहीं मेरे मुंह से ऐसे निकल गया. बाय मिस्टेक हो गया. मैं बताना चाहता था यार. आई वॉन्टेड टू टेल माई वाइफ जब वक्त आएगा तब. क्योंकि सुहानी ने मुझे रोका था. शी हैड सेड टेक इट इजी. मैं चाहता था कि प्रिया बिल्कुल ठीक हो जाए. उसके बाद मैं खुद बताना चाहता था. आई वॉन्टेड टू वेट. But you didn't feel like waiting anymore. No, no, no. वो misunderstanding होगी राम. Because of your misunderstanding, मेरी बीवी अब घर में नहीं है. You understand what you've done? मेरी बीवी घर छोड़कर चली गई है. तुम समझ सकती हो उसके मन में इस वक्त क्या है? अगर वो कुछ कर दे अपने आप को, अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो क्या करूंगा मैं? This is what you have done. प्रिया सही कह रही थी. तुम सच में मुझसे प्यार करने लगी और इसीलिए तुमने जानबूझकर ये किया है ताकि तुम मेरा और प्रिया का रिश्ता तोड़ सको. राइट? राम, आपको सच में ये लगता है कि मैंने ये जानबूझकर किया है? तुम्हारे करने के बाद मेरी बीवी चली गई है यार. मैं और क्या सोचूं? What do you want me to think? तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी हो. अब मैं क्या करूं? मैंने जो भी किया है आप लोगों के लिए किया है. कोई एहसान मत करो प्लीज. डोंट डू एनीथिंग फॉर अस. तुमको शादी करनी है तुम करो, नहीं करनी है मत करो. बट डोंट डू एनीथिंग फॉर अस. मुझे सिर्फ नैना की कस्टडी चाहिए थी प्रिया, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. इसीलिए मैं और राम शादी करने वाले थे. राम कपूर इतना बड़ा नाम है ना, आपकी तरफ आएगा नहीं मेरे हाथ में. लेकिन अगर तुम चाहती थी तो राम शॉर्ट एंड स्वीट तो लिखा सकती थी ना. क्या तुम्हें लगता है ये डिवोर्स्ड? क्या तुम सिर्फ प्यार नहीं देख सकती? मुहूर्त निकला जा रहा है, वधु को बुलाइए. लेट्स गेट मैरिड. एक मिनट. आर यू श्योर? आई एम वेरी श्योर. पर मॉम तो अभी तक आई नहीं. पर बेटा मुहूर्त का टाइम तो हो गया ना. पर दादी मॉम. ओम आपदाम अभिहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाविरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम.
प्रिया सही कह रही थी, तुम सच में मुझसे प्यार करने लगी और इसीलिए तुमने जानबूझकर ये किया है। तुमको शादी करनी है तुम करो, नहीं करनी है मत करो, बट डोंट डू एनीथिंग फॉर अस। I leave for the two of you to talk. Priya, देखो मैं जानता हूँ कि जूही ने Priya, I can explain everything. Now, Mr. Kapoor, अब इन explanations का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है. प्रिया, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था. I just wanted to wait for the right time. Right time? कब होता है ये right time, Mr. Kapoor? जब मैं कोमा में थी और आप जूही से शादी करने वाले थे, या जब मैं कोमा से बाहर आई और आप जूही को शादी के मंडप में छोड़कर चले आए? देखो, सुहानी ने मुझे बताया कि तुम्हारी हालत अभी भी नाजुक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा वक्त और रुकना चाहता था. I was worried. यार, मैंने सोचा कि शायद तुम हैंडल नहीं कर पाओगी. क्या नहीं हैंडल कर पाओगी? आपकी छोटी छोटी पसंदों का बदलना या बड़ी बड़ी बातें, नैना का अडॉप्शन, हमारा डिवोर्स, जूही का आपको प्यार करना, सब कुछ तो हैंडल किया मैंने, तो फिर क्या हैंडल नहीं कर पाती मैं? यार, why aren't you understanding? प्रिया, देखो, तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना, तुम कम से कम इतना तो समझ सकती हो कि अगर मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई तो जरूर कुछ कारण होगा. आई नो मिस्टर कपूर, अगर आप जूही से शादी कर रहे थे तो जरूर आपके पास कारण होगा, शायद बहुत से रीजंस होंगे, और मैं इसलिए आपसे गुस्सा नहीं हूं कि आप उससे शादी करें. मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि मेरे बार बार पूछने पर भी आपने मुझे बताया क्यों नहीं. शादी के सात वचन याद है आपको मिस्टर कपूर? शादी के सात वचन विश्वास की नींव से बनते हैं, और विश्वास से ही पति पत्नी में प्यार बढ़ता है, और अगर पति पत्नी में प्यार है तो वो दोनों मिल करके बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना कर सकते हैं. आपको याद है मिस्टर कपूर, हमारे रिश्ते की बुनियाद क्या थी? विश्वास. वो विश्वास जिसने हमें पति पत्नी से पहले एक दूसरे का दोस्त बनाया. जब हमारे बीच में कुछ नहीं था तब सिर्फ यही विश्वास था. और आपने पता है क्या किया? आपने वो विश्वास ही नहीं तोड़ा, आपने हमारा रिश्ता ही तोड़ दिया. ये तुम कैसी बातें कर रही हो यार? प्लीज फॉर गॉड्स सेक्स, तुम सिर्फ घर चलो, घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा. कौन सा घर मिस्टर कपूर? You're not getting it. जब हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं है तो घर कौन सा, कौन सी बात समझा देंगे आप मुझे? नहीं जाना मुझे आपके साथ. बार बार आपकी आंखों में देखकर आपकी हर बात मानती रही मैं, और जब जूही ने मुझे सच बताया, पता है मुझे कैसे लगा? I felt like a fool. सबको पता था ये, बस मुझे ही नहीं पता था. यू नो व्हाट मिस्टर कपूर, रिश्ते में एक बार प्यार ना होना तो फिर भी रिश्ता रह सकता है, लेकिन रिश्ते से अगर विश्वास चला जाए तो उस रिश्ते को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है. मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ. आई थिंक इट्स ओवर. ये क्या कह रही हो तुम प्रिया?
प्रिया, व्हाट आर यू सेइंग यार? प्रिया, प्रिया देखो, तुम अगर ऐसी सीट पकड़ के बैठने वाली हो ना, तो मैं भी तुमको बता देता हूं कि जब तक तुम मेरे साथ घर नहीं आओगी, मैं खुद घर नहीं जाने वाला। मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक। इसके साथ ये विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। बस बस बस, खुश रहो बेटा, खुश रहो। Congratulations. Thank you. तो भाभी को ढूंढते ढूंढते भैया कहाँ गए? सिड, अभी काफी टाइम से राम का फोन ट्राई कर रहा हूँ। डोंट वरी, वो जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। लेकिन भाई और भाभी गए कहाँ? समझ में नहीं आता ये प्रिया अचानक ऐसे, और राम भी नहीं है, सिड और जूही की शादी है, और ऐसे में इन दोनों, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बात जरूर है। मैं जानती हूँ कि क्या बात है। वो मैंने प्रिया से कह दिया कि राम और मेरी शादी होने वाली थी, तो इसे सुनकर प्रिया फिर राम भी पता नहीं उसे ढूंढने निकल गए। जूही, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने जानबूझकर नहीं किया सिड, वो मेरे मुंह से बाय मिस्टेक निकल गया। उसने कहा कि वो सब जानती है, तो मेरे मुंह से निकल गया। I swear I didn't do it on purpose, Sid. Please believe me. वो ऐसे। It's okay. भाई क्या होगा? वो घर नहीं आना चाहती, और जब तक वो घर नहीं आती, मैंने उसे कहा कि मैं यही वेट करूंगा। What did you expect, भाई? Sorry if I'm overstepping, लेकिन आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रिया से? एक छोटी, she is right that she is upset, but मैंने जो भी किया मेरे कुछ reasons थे, और मैं वो रीजंस उसे समझाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू हर, मैंने जो किया क्यों किया। आफ्टर दैट आई एम श्योर शी विल अंडरस्टैंड। अब उसके लिए अगर मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन मैं यहाँ से तब जाऊंगा जब वो मेरे साथ मेरे घर आएंगे। यू आर माय ब्रदर एंड आई लव यू, इसलिए कह रही हूँ। शायद आपको थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा उसे मनाने में। चलेगा। ऑल द बेस्ट। राम, तुम यहां? इसका मतलब प्रिया भी? लेकिन तुम यहां क्यों बैठे हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे प्रिया को बता देना चाहिए था कि जूही और मैं शादी करने वाले थे। अब प्रिया को सब पता चल गया है, एंड शी इज वेरी अपसेट। मुझसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ, बट वो सही तो है, गलती मेरी ही है। आई रियली आई शुड हैव टोल्ड हर एवरीथिंग।
गलती तो हम सबकी है राम, हम में से किसी ने भी नहीं बताया उसे। हम सबको मिलकर समझाना होगा उसे। बहुत समझदार है प्रिया, देखना हम सबको माफ कर देगी और समझ जाएगी बात को। अब रात बहुत हो गई राम, मेरे ख्याल से तुम्हें घर जाना चाहिए। हम लोग मिलकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं। नहीं, जब तक प्रिया मुझसे बात नहीं करेगी मैं कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, लेकिन पूरी रात तुम घर के बाहर इस तरह से। देखिए आप लोग प्लीज मेरी फिक्र मत करिए, प्रिया के पास चाहिए, शी नीड्स यू गाइस राइट नाउ। आई विल बी फाइन, मैं गाड़ी में सो लूंगा, बट जब तक प्रिया मेरे से बात नहीं करेगी मैं घर नहीं जाऊंगा, चाहे जितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। ठीक है राम। प्रिया की तकलीफ देखी नहीं जाती शिप्रा, हमने पेरेंट्स होके भी इतनी बड़ी बात छुपाई उसे। सच कहा तुमने, पेरेंट्स अब हमारी जिम्मेदारी है उसे इस तकलीफ से बाहर निकालने की। प्रिया, नताशा मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। वो कमरा रेडी है तो मैं जाके आराम करती हूँ। प्लीज सी टू इट कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। प्रिया हमें एहसास है बेटा अपनी गलती का, आज तू जिस तकलीफ में है उसके जिम्मेदार हम ही है बेटे। याद है पापा, जब मैं बिना किसी को बताए दुबई चली गई थी, आप कितने नाराज हो गए थे मुझसे। 5 साल के बाद आपसे मिली थी लेकिन फिर भी आपने मुझसे बात नहीं की थी। बुरा लग रहा था आपको कि मैंने आपसे भी सच छुपाया। इस वक्त मुझे कैसा लग रहा होगा ये आपसे ज्यादा अच्छी तरह और कोई नहीं जान सकता पापा। प्रिया अब क्या करें? सुधी, वही जो प्रिया ने किया था याद है, जब आप नाराज थे प्रिया से तो प्रिया ने आपको कुछ वक्त दिया था ना, आज प्रिया आपसे नाराज है तो आप उसे कुछ वक्त दीजिए। वो हमसे जरूर नाराज है लेकिन राम से कितनी देर नाराज रहेगी? हाँ देखना, राम का प्यार ही है ना, हमारी बेटी को हमारे पास लेकर आएगा। हाँ
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.